उत्तराखंड के हल्द्वानी में आने वाले दिनों में पेयजल की किल्लत से निपटने के लिए प्रशासन ने अभी से तैयारी शुरू कर दी। नैनीताल के जिलाधिकारी सवीन बंसल ने हल्द्वानी के पेयजल फिल्टरों का निरीक्षण किया। साथ ही शीतलाहाट प्लांट को जल आपूर्ति कराने वाले गधेरे के निरीक्षण के बाद 200 mm की 750 मीटर लंबी पेयजल लाइन बनाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। फिल्टर प्लांट में क्लोरीनेशन और पानी के शोधन की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए फिल्टर प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी भी दी गई है। हल्द्वानी में मुख्यतः चार फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जिनकी सप्लाई 30 MLD है और जिसके सापेक्ष डिमांड जो है वो 54 MLD है। रेस्ट ऑफ द डिमांड ट्यूबवेल से भी मीट आउट होती है, लेकिन उसके बावजूद भी करीब 6-8 MLD हमारा डेफिसिट रहता है। इसके दृष्टिगत ADB से हमारा नया प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है, उसका कंसेप्शन स्टेज अभी प्रारंभ होने वाला है, जिसमें इनिशियल सर्वे, सोशल एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और DPR के लिए सर्वेस शुरू होने वाले हैं। इसी के दृष्टिगत आज हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट्स के साथ यहाँ पे विजिट हमने प्लान किया था। बहरहाल जब तक हमारा नया प्रोजेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता, तब तक प्लांट्स के अपकीप के लिए, मेंटेनेंस के लिए और उसको सुचारू संचालन के लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है उसका यहाँ पर जायज़ा लिया जा रहा है। जिला योजना में इनको सिक्योरिटी फीचर्स बढ़ाने के लिए और एक्सेसिबिलिटी कंट्रोल के लिए CCTV कैमरास स्वीकृत कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे फिल्टर मीडिया जहाँ से हमारा पानी फिल्टर आउट होता है बिफोर सप्लाई और क्लोरीनेशन वो चेक किया गया है। क्लोरीनेशन स्टैंडर्ड्स इनके ठीक पाए गए हैं और ये भी निर्देशित किया गया कि हमारे मैजिस्ट्रेट्स और जल संस्थान के जितने भी अधिकारी हैं वो अपने व्हीकल्स में OT सॉल्यूशन कैरी करें, जिससे कहीं पर भी कोई सैंपलिंग की भी हमें आवश्यकता प्रतीत होती है तो चेक किया जा सके सैंपल। इसके बावजूद जो हमारे 17 ओवरहेड टैंक्स हैं पूरे शहर में, वहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है और क्लोरीनेशन भी स्टैंडर्ड अनुसार की जा रही है। आपको और पब्लिक फीडबैक कहीं से भी ये प्राप्त होता है कि क्लोरीनेशन नहीं हो रहा है या वहाँ पर नियमानुसार जो डोजिंग है डोजिंग नहीं हो रही है, सो उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए आप हमारी नॉलेज में, हमारे मैजिस्ट्रेट्स की नॉलेज में और कंट्रोल रूम में अवश्य सूचना दें, क्योंकि अब हमारा मॉनसून सीजन भी जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। पानी की किल्लत से निपटने के लिए प्रशासन जिस तरह तैयारी कर रहा है उस पर जल विशेषज्ञ शिवदत्त तिवारी का कहना है कि पहाड़ों पर पानी का दोहन हुआ है, उसे देखते हुए प्रशासन का ये कदम सकारात्मक है। जब दोहन हुआ है, डिगिंग हुई है, इवन पहाड़ों में भी छोटे छोटे वो मैट्रिक्स प्रणाली से कुछ पंप लगे हैं, उन्होंने भी जो सराउंडिंग में जो स्प्रिंग थे उनका रिचार्ज होना बंद हो गया है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आप एक समय में पानी को निकालेंगे तो पानी कहाँ से उपलब्ध होगा। और ये डेफिनेटली बिल्कुल सकारात्मक कदम है कि अत्यधिक जो दोहन हो गया है ग्राउंड वाटर का, उसको पुनर्जीवित करने के लिए पहले रोक लगाई जाए और ग्राउंड वाटर को कंजर्व करने की, जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करने की के जुगत लगानी चाहिए। आपको बता दें कि हल्द्वानी में जल संस्थान फिल्टर प्लांट से 32 MLD जल आपूर्ति होती है। इसके अलावा 17 ओवरहेड टैंकों से भी पेयजल आपूर्ति की जाती है। बावजूद इसके लगभग 4 लाख की आबादी वाले हल्द्वानी शहर में पेयजल किल्लत एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई। अब देखना ये होगा कि प्रशासन के इस कदम से पानी की समस्या किस हद तक पूरी हो पाती है। पंजाब केसरी के लिए हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट।